हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेब स्टैंडर्ड्स और W3C रिकमेंडेशंस के बारे में। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट वेब स्टैंडर्ड्स एंड W3C रिकमेंडेशन। अब ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, प्लस साथ ही साथ आपके इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इवन आप कैंपस में अप्लाई करते हो, ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, अगर आप फ्रंट एंड डिजाइनिंग के स्टूडेंट हो तो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वेब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं या फिर W3C रिकमेंडेशन से आप क्या समझते हो। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग वेब स्टैंडर्ड्स की, सो दीज आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस एस्टैब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C, डेवलप्ड टू प्रमोट कंसिस्टेंसी इन द डिजाइन कोड विच मेक्स अप अ वेब पेज। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है ये कुछ ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं, वेब स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ये कुछ ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं जो एस्टैब्लिश किए जाते हैं W3C के थ्रू। W3C हमारा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है। इन रूल्स और गाइडलाइंस को एस्टैब्लिश करने का रीजन क्या है? ताकि वेब पेजेस में जो डिजाइन कोड्स हम लोग यूज करते हैं या जिन डिजाइन कोड्स को यूज करके एक वेब पेज को डिजाइन किया जाता है, उनकी कंसिस्टेंसी को प्रमोट किया जा सके, उसे और ज्यादा डेवलप किया जा सके, ठीक है। सिंपली इट इज द गाइडलाइन, जैसे कि नीचे दिया हुआ है सिंपल डेफिनेशन में, दिस इज द गाइडलाइन फॉर द मार्कअप लैंग्वेज विच डिटरमाइंस हाउ अ वेब पेज डिस्प्ले इन अ विजिटर्स वेब ब्राउजर विंडो, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि HTML क्या होता है। HTML हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। उसका काम क्या होता है? वो ये सुनिश्चित करता है या फिर ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से आपका वेब पेज किसी भी ब्राउजर की विंडो पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। HTML को क्रिएट करने की, उसे डिजाइन करने की जो भी गाइडलाइंस होती हैं, वो हमारा वेब स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली। अब इनके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है? वेब पेजेस विल डिस्प्ले इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ब्राउजर्स एंड कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक आईफोन्स, एंड्रॉइड्स, आईपैड्स, पीडीए डिवाइसेज, मोबाइल फोन्स, विच ग्रेटली इंक्रीज द व्यूइंग ऑडियंस। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि वेब स्टैंडर्ड्स के होने से ये फायदा होता है कि जो हमारे वेब पेजेस होते हैं वो एक वाइड वेराइटी ऑफ ब्राउजर पे डिस्प्ले हो सकते हैं, साथ ही साथ अलग अलग कंप्यूटर्स पे, अलग अलग स्क्रीन्स पे, जिसमें कि हमारी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज भी हैं, जैसे कि हमारे आईफोन्स हो गए, एंड्रॉइड्स हो गए, आईपैड्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, जिनकी वजह से क्या होता है हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि हम लोगों में, आप लोग देख सकते हो अपने आसपास भी, सभी लोग मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कोई वेबसाइट ऐसी है जो आप मोबाइल फोन्स पे डिस्प्ले करा सकते हो, आईफोन्स पे डिस्प्ले करा सकते हो, तो फिर आपके पास एक बहुत वास्ट ऑडियंस होगी। और यही फायदा होता है वेब स्टैंडर्ड्स को यूज़ करने का, क्योंकि वो आपको ये अलाउ करेगा कि आप अलग अलग स्क्रीन साइजेस पे, अलग अलग स्क्रीन्स पे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। अगला एडवांटेज क्या होता है? सर्च इंजन्स आर एबल टू एक्सेस एंड इंडेक्स पेजेस डिजाइन टू वेब स्टैंडर्ड्स विद ग्रेटर एफिशिएंसी। मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट या वेब पेज वेब स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, ठीक है, क्या करता है जो हमारा सर्च इंजन होता है, उसके लिए आपकी वेबसाइट या आपके वेब पेज को एक्सेस करना और उसे इंडेक्स करना, उसके पेजेस को इंडेक्स करना बहुत इजी हो जाता है और उसे एक ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ हमारा सर्च इंजन परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। अगर आप वेब स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे अपनी वेबसाइट तो सर्च इंजन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपके पेजेस को एक्सेस करने में, साथ ही साथ उनकी इंडेक्सिंग करने में, जो कहीं ना कहीं आपके विजिटर्स को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये बात हो गई हमारी वेब स्टैंडर्ड्स की। आई होप वेब स्टैंडर्ड के बारे में आप लोग को सब कुछ समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे W3C रिकमेंडेशंस क्या होते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा मिलता जुलता है ये दोनों टॉपिक। आई होप आपको वीडियो के एंड तक सब कुछ समझ आ जाएगा। चलते हैं W3C रिकमेंडेशंस की तरफ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, W3C इज द एक्रोनिम फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। W3C हमारा क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का एक्रोनिम होता है, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म। W3 होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, 3 W, और C होता है हमारा कंसोर्टियम, ठीक है। ये चीज आपको याद भी रखनी है, क्योंकि एग्जाम में लिखने से इसमें प्लस पॉइंट आपको तो मिलेगा, क्योंकि जब भी आपका एग्जामिनर कॉपी की तरफ देखेगा उसे दिखेगा कि आपको नॉलेज है चीजों की और आपके मार्क्स उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज होंगे, ठीक है।
सो इट पब्लिशेस द डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन वेब टेक्नोलॉजीज। W3C का काम क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कराता है जो कि वेब टेक्नोलॉजीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, दीज डॉक्यूमेंट्स फॉलो अ प्रोसेस डिजाइंड टू प्रमोट फेयरनेस, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, या फिर इनमें एक ऐसा ये एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जो पर्टिकुलरली डिजाइन किया जाता है आपके वेबसाइट के फेयरनेस को प्रमोट करने के लिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, और आपके वेब पेजेस या वेबसाइट की क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस W3C पब्लिशर्स रिकमेंडेशंस विच आर कंसीडर्ड एट वेब स्टैंडर्ड। एक बार जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब क्या होता है, एंड में W3C जो है वो रिकमेंडेशंस को पब्लिश करता है जिनको वेब स्टैंडर्ड्स की तरह कंसीडर किया जाता है। मतलब कि रिकमेंडेशन का और कुछ मतलब नहीं है, वेब स्टैंडर्ड्स को ही हम रिकमेंडेशन कहते हैं। ठीक है, सो W3C के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेब स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको कोई तीसरी चीज पता होने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, सो W3C रिकमेंडेशंस आर बेसिकली W3C वेब स्टैंडर्ड्स। ठीक, अब एक और लास्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे देयर मेन एम इज टू एस्टैब्लिश अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट विल अवॉइड कोड इनकम्पैटिबिलिटी अमंग द ग्रोइंग आर्मी ऑफ ब्राउजर्स इन यूज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि W3C का मेन एम क्या होता है, मेन एम इनका होता है कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश किया जा सके जो कि कोड इनकम्पैटिबिलिटी को अवॉइड कर सके अमंग द ग्रोइंग आर्मी ऑफ ब्राउजर्स। अमंग द ग्रोइंग आर्मी ऑफ ब्राउजर्स का मतलब है कि आप देख सकते हो किस तरीके से वेब ब्राउजर्स और वेब पेजेस और वेबसाइट्स इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, सो इस बढ़ती हुई आर्मी में, ये जस्ट फ्रेज की तरह यूज किया गया है ग्रोइंग आर्मी। ठीक है, तो इस बढ़ते हुए ब्राउजर्स के एरा में किस तरीके से कोड इनकम्पैटिबिलिटी को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो ही हमारा मेन एम होता है W3C रिकमेंडेशंस का, या फिर W3C वेब स्टैंडर्ड्स का। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा W3C रिकमेंडेशन, W3C वेब स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ईजी है, थोड़ा सा थ्योरिटिकल है, थोड़ा सा क्या, एक्चुअली पूरा ही थ्योरिटिकल है। सो आई होप आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, सो पढ़ लेना, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। मैंने कोशिश तो की है कि आपको समझा सकूं, इसके अलावा एक बार लिख के देख लेना ताकि आप एग्जाम में प्रॉपरली लिख पाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। वहां पे प्लेलिस्ट में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं। ठीक है, सो That's all for this video. Thank you so much for watching this video.